सबसे पहले आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो बैंक नोट्स हैं उनके पीछे जो ऐतिहासिक स्थल हैं वो कौन कौन से हैं और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि वो कहाँ हैं और किसने बनवाए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये जो बैंक नोट्स हैं वो कौन छापता है और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2000 के नोट की। तो 2000 का जो नोट है उसमें जो है मंगलयान का जो फोटो है वो दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये मंगलयान क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। ये जो मंगलयान है ये 2013 में लॉन्च हुआ था और ये मंगल की कक्षा में जो पहुंचा है वो पहुंचा है 2014 में। इसको कितने दिन लगे? 299 दिन इसको लगे हैं, ठीक है ना। और ये PSLV C25 से लॉन्च किया गया है। किससे किया गया है? PSLV C25 से लॉन्च किया गया है। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये जो भेजा है अपने मंगलयान के लिए, तो इसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। क्या लगा हुआ है? सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, कुछ एंटीनाज इसके अंदर लगा हुआ है, कुछ टैंक लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब इसके बारे में था, मंगलयान के बारे में। इस मिशन को बोला गया मोम, मार्स ऑर्बिटल मिशन इसको बोला गया, ठीक है ना। अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं 500 के नोट की। तो 500 के नोट में आपको दिख रहा होगा लाल किला दिखाया गया है, ठीक है ना। तो लाल किले के बारे में हम देखते हैं कि लाल किला जो है ना ये पुरानी दिल्ली में स्थित है और किसने बनवाया है? ये शाहजहाँ ने बनवाया है। किसने बनवाया है? ये शाहजहाँ ने बनवाया है, ठीक है ना। और इसके लाल रंग के कारण इसे जो है लाल किला कहा जाता है। और इसको 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल भी चयनित किया गया है, ठीक है ना। और अगर और बात करें लाल किले के बारे में तो इसको 10 वर्षों का समय लगा। और लाल किले का पुराना नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किलाए मुबारक के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? किलाए मुबारक के नाम से जाना जाता था। और इसको बनाया किसने? उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद ने इसको बनाया, ठीक है ना। और इसके जो है ना दो दरवाजे हैं। कौन से दो दरवाजे हैं? लाहौर गेट और दिल्ली गेट, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं 200 रुपये के नोट की। तो 200 रुपये के नोट पे जो ऐतिहासिक स्थल बनाया गया वो सांची का स्तूप बनाया गया है, ठीक है ना। सांची का स्तूप बनाया गया। अब सांची का स्तूप जो है ना ये एक बौद्ध धर्म को समर्पित स्थल है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है ना। और इसको 12वीं शताब्दी के बीच के युग की तारीख इसमें देखने को मिलती है। और इसको भी यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों के अंतर्गत सूची में लिया गया है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो वो है अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने। मौर्य वंश का जो शासक था अशोक, उसने बनवाया था, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं 100 रुपये के नोट की। तो 100 रुपये के नोट पे जो आपको चित्र दिखाया गया है वो रानी की वाव का दिखाया गया है। किसका दिखाया गया है? रानी की वाव। ये रानी की वाव क्या है? एक बावड़ी है, सीढ़ीदार कुआं जिसको हम बोलते हैं वो है ये। कहाँ पे है ये? गुजरात राज्य के पाटण में है। कहाँ पे है? गुजरात राज्य के पाटण में। इसको भी 22 जून 2014 को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, ठीक है ना। और जो ये गुजरात का पाटण है इसको पहले अनलीपुर के नाम से जाना जाता था और ये गुजरात की पूर्व राजधानी भी थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है गुजरात की पूर्व राजधानी कौन सी थी? पाटण, जिसको क्या बोला जाता था? अनलीपुर। और यहाँ पे क्या है? रानी की वाव, ठीक है ना, बावड़ी। इसको किसने बनवाया? सोलंकी शासन के राजा भीमदेव की जो पत्नी है रानी उदयामती ने बनवाया। किसने बनाया? उदयामती ने बनाया, ठीक है ना। 50 रुपये के नोट की बात करें तो 50 रुपये का जो नोट है वो उस पर आपको दिखाया गया हम्पी का एक चित्र दिखाया गया, जिसमें एक मंदिर भी दिखाया गया आपको, ठीक है ना। ये मंदिर दिखाया गया है, रथसा जो आपको दिख रहा है ये एक मंदिर है, ठीक है, हम्पी का। ये कहाँ पे है? ये जो है ना ये कर्नाटक के बेलारी जिले में है। कहाँ पे है हम्पी? कर्नाटक के बेलारी जिले में है। और ये जो हम्पी जगह है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। और ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है और इसके संस्थापक हरिहर बुक्का को माना जाता है। इसके बाद में बात करें तो 20 रुपये के नोट की। तो 20 रुपये के नोट पे आपको दिख रहा होगा ये एलोवेरा की गुफाएं दिखाई गई है। इसमें क्या दिखाया गया है? एलोवेरा की गुफाएं, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसमें जो नोट होता है ना बैंक नोट, इसमें 15 भाषाएं जो है ना लोकल लैंग्वेज में लिखी होती हैं, है ना। और जो दो हिंदी और इंग्लिश को भी देखें तो इसमें 17 लैंग्वेजेज में जो है ना इसमें लिखी जाती हैं, ठीक है ना, बैंक नोट में। तो अपन इसमें बात कर रहे थे एलोरा की जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, उसके बारे में, ठीक है ना। तो ये एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और इसमें धर्मों की बात करें तो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों ही धर्मों का इसमें प्रभाव दिखाई देता है। और ये राष्ट्रकूट जो वंश है उसके शासकों द्वारा स्थापित किया गया है एलोरा की जो गुफाएं हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 10 रुपये के नोट की। तो 10 रुपये का जो नोट है उस पर आपको दिखेगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या दिखेगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर दिखेगा आपको, ठीक है ना।
कोणार्क का जो सूर्य मंदिर दिखेगा ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा के पुरी के पास है ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, और ये सूर्य देवता को समर्पित है, जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है ना। और ये रथ के आकार में बनाया गया है, और इसके बारे में हम देखें तो ये नरसिंह देव ने बनवाया है इसको, किसने बनवाया है, नरसिंह देव ने। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि अपन को पता है कि ये जो बैंक नोट्स है वो या तो वित्त मंत्रालय बनाता है या फिर आरबीआई बनाता है, ठीक है ना। तो आरबीआई का गठन किया गया था किस आयोग की सलाह पर किया गया था, चैम्बरलिन कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, केन्स कमीशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है ना। तो आरबीआई की जो गठन हुआ वो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर हुआ, और कब हुआ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में जो है ना इसको रिजर्व बैंक का गठन किया गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है, यानी कि जो सिक्के हैं वो कौन बनाता है, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, प्रधानमंत्री कार्यालय या नाबार्ड। तो इसका सही आंसर है वित्त मंत्रालय, आरबीआई नहीं है इसका, क्योंकि जो 1 रुपए के नोट हैं और जो सिक्के हैं वो वित्त मंत्रालय बनाता है, और बाकी 2 रुपए से लेकर के 2,000 के नोटों की जो छपाई का काम है वो आरबीआई करता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि सिक्के कौन बनाता है, तो वित्त मंत्रालय के पास जो है ना वो इसका काम होता है, ठीक है ना, सिक्के बनाने का। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि रिजर्व बैंक का जो अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है, लेखा वर्ष जो कब से कब तक होता है, तो 1 जुलाई से 1 जून, 1 अप्रैल से 30 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई से 30 जून, ठीक है ना। और जो अपना वित्त वर्ष होता है, देश का जो वित्त वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 30 मार्च होता है, और जो अकाउंटिंग ईयर होता है रिजर्व बैंक का वो 1 जुलाई से 30 जून होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखना। इसके अलावा अपन बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे, सबसे पहले जो भारतीय मूल के हों, ठीक है ना, ऑसबर्न स्मिथ, सी राजगोपालाचारी, एल के झा और सी डी देशमुख। तो इसका सही आंसर है सी डी देशमुख, कौन है, सी डी देशमुख। और अगर पहले गवर्नर की बात करें, जो अंग्रेज था, एक अंग्रेजी मूल का जो गवर्नर था, तो वो था ऑसबर्न स्मिथ, ठीक है ना। तो अलग अलग याद रखना इसको, कि अंग्रेजी मूल का देखें पहला गवर्नर तो ऑसबर्न स्मिथ, और भारतीय मूल का देखें तो सी डी देशमुख, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये जो अपन ने नोट्स की बात करी तो इनका कलर्स कैसा कैसा है। तो 50 रुपये के नोट की बात करें तो ये फ्लोरोसेंट ब्लू है, ठीक है। ब्राइट 200 रुपये का जो नोट है वो ब्राइट येलो है, 500 रुपये का जो नोट है वो स्टोन ग्रो है, और 2,000 का जो नोट है वो मैग्नेटा कलर का है, ठीक है ना। तो ये कलर भी याद रखना। और डायमेंशन की बात करें तो 50, 200, 500 और 2,000, इनकी जो है ना विड्थ है वो सेम है, ठीक है ना। और इनकी जो 66 mm है, ठीक है ना ये। और इसके बाद में बात करें तो 135 ये लेंथ है इनकी, ठीक है ना। 50 के नोट की लेंथ है 135, 200 की है 146, 500 की है 150, 2,000 है 166।